नमस्कार दर्शक मित्रों, जुल्म की आवाज न्यूज में आपनो स्वागत छे। आज रोज वडोदरा शहर नवापुरा विस्तार में आवेल भावनपुरा खाते राम मंदिर निर्माण ने लई कार्यालय नु उद्घाटन करवामां आव्यु। अयोध्या नी अंदर जे राम मंदिर नु निर्माण थई रह्यु छे, तो ए राम मंदिर फक्त राम मंदिर नथी तो राष्ट्र मंदिर छे, अने एना माटे प्रत्येक भारतीयोनो कई ने कई नानो अम तो सहभाग जोईए, अने अमने पण लागवू जोईए कि आ राम मंदिर मारू पण छे। अने एटला माटे आपणे संपूर्ण भारतवर्षनी अंदर लोकोनो संपर्क करवाना छे, अने एमना पाथी फूल ने तो फूलनी पाकड़ी तरीके दान तरीके स्वीकारवानो आपणो आ अत्यारे प्रयत्न छे। ए भागरूपे ज बाबाजीपुरा नगरनी अंदर आपणे कार्यालयनुं उद्घाटन करेलू छे। अहींथी ज बधा लोको दररोज લોકોને મળવા જશે, અને બધા જ સમાજની અંદરના નાનામાં નાના ઘટક સુધી આપણે પહોંચવાનો આપણો આ પ્રયત્ન છે। એ જ ભાગરૂપે બ્રહ્માકુમારીજીના પરમ પૂજ્ય દીદીના આશીર્વાદથી આપણે કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે। વિનય શરદચંદ્ર ભોસેકર, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વડોદરા મહાનગર સંઘ ચાલકની જવાબદારી। બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરેશ વિદ્યાલય કી ઓર સે મુજે આજ અયોધ્યા મેં જો બન રહા મંદિર હૈ ઉસ કાર્યક્રમ કે હેતુ બુલાયા ગયા। तो आज जो श्री राम जी का संकल्प हर भारतवासी के मन के अंदर है, वो 500 वर्षों से चल रहा विवाद आज वो साकार हो रहा है, और जिसका उद्घाटन तो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने खात मुहूर्त के ज़रिए कर दिया। अब एक एक भारतवासी की उंगली उसमें कैसे लगे, किस तरह सब सहयोगी बने, तो उसके लिए आज ये कार्यक्रम और ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जहां जिम्मेवार व्यक्ति गली गली में जाकर इंडिविजुअल लेवल से इस राम जी के मंदिर का संदेश देंगे, और सब कैसे सहयोगी बने और कैसे अपनी उंगली दें, अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, ताकि जल्द से जल्द ये सुंदर मंदिर का निर्माण हो, जिसमें हर व्यक्ति के अंदर दो विशेषताएं हों, निमित्त भाव हो और नम्रता भाव हो। अगर इस भाव को लेकर, हर एक के प्रति शुभ भावनाओं को लेकर ये कार्य को हम करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है भल विघ्न आए पेपर आए, पर बहुत जल्द से जल्द इस कार्य का निर्माण होकर के जल्द से जल्द मंदिर संपन्न होगा। यही मेरी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से शुभ भावना और कामना है। हम सबका सुप्रीम फादर तो निराकार शिव है, उस शिव की शक्ति के आधार पर हमारा ऐसा अनुभव है कि कार्य सहज हो जाते हैं, तो ये कार्य भी यहाँ उसी शक्ति के आधार पर सरल और सहज होंगे, हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। ओम शांति।